तो इसरो ने कल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी शेयर की, जहाँ पे जो LIBS है, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, जो चंद्रयान 3 के रोवर का पेलोड है, तो उसने सल्फर को डिटेक्ट किया मून के सरफेस पे। तो इसमें उसने एल्यूमिनियम, कैल्शियम आयन और क्या टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट किया है मून के सरफेस पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हाइड्रोजन का सर्च है वो अंडरवे है। तो हम आज इसी टूल के बारे में जो है बात करने वाले हैं, जो है LIBS। तो जो ये लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है, पहले हम बात करेंगे लेज़र के बारे में, क्योंकि लेज़र के बिना ये LIBS इनकम्प्लीट है। तो पहले ये जो लेज़र है, इसका अपने एक फुल फॉर्म है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग द एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सुनने के लिए है, बट इसका वर्किंग उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के साथ, जनरली हम ग्रीन और रेड लाइट जो है जनरली काफ़ी कॉमनली लेजर्स में। तो इसको हम, इसके जो वेवलेंथ है, कई सारे वेव्स को हम मैच करते हैं उसका पीक पॉइंट और जो लोअर पॉइंट है। जनरली वेव में दो पॉइंट्स होते हैं, एक पीक होता है, एक लोअर पॉइंट होता है। तो उनको हम मैच करते हैं और इसको हम एम्पलीफाई करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम इसको फायर करते हैं, जिसके वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करते हैं, अनलाइक नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट जैसे हमारा सन का हो गया, मून का हो गया, नहीं तो हमारे जो हाउस बल्ब है, जो जनरली LEDs या फ्लोरोसेंट बल्ब हो जाते हैं, तो ये जनरली स्कैटर हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम होता है, बट लेज़र में ऐसा नहीं होता है। तो मेन डिफरेंस है, और इसका काफ़ी साइंटिफिक यूजेस है लेज़र का। ये सिर्फ एज अ खिलौना हम यूज़ नहीं करते, या फिर ये इसीलिए नहीं है कि हम सिर्फ एक गन को लगा के या स्नाइपर को लगा के यूज़ करते हैं। इसका काफ़ी साइंटिफिक यूजेस है, हम इसको सेमीकंडक्टर्स में यूज़ करते हैं, और ये LIBS जो एक साइंटिफिक इक्विपमेंट है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो हम अब बात करेंगे LIBS के बारे में। तो एक एज यूजुअल में बोला था पहले ही, साइंटिफिक इक्विपमेंट है। और ये जो स्पेस मिशंस हैं, जैसे हमारे कोई प्लैनेट हो गया, मार्स या वीनस कोई प्लैनेट, या फिर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मून, तो उसके सरफेस को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए, मतलब कोई एलिमेंट को या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए जब हम ढूंढ रहे हैं, तो हम ये LIBS का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई एलिमेंट को कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, तो LIBS में एक हाई एनर्जी लेज़र पल्स को फायर किया जाता है एक सैम्पल के तरफ। यहाँ पे हमारा सैम्पल हो गया जो मून का सरफेस है। तो अब हम जब ये फायर करते हैं, तो सरफेस हीट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेज़र, एंड उसके वजह से कुछ कंपोनेंट्स वेपराइज हो जाते हैं। कंपोनेंट्स मतलब कोई भी एलिमेंट होता है, नहीं तो कुछ और जो पड़ा है, तो वो वेपराइज हो जाता है, एंड थोड़ा आयोनाइज भी हो जाता है। आयोनाइज इज नथिंग बट एलिमेंट एंड एटम इज गेटिंग चार्ज्ड, मतलब एदर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी एक्वायर कर लेता है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक केमिस्ट्री हम सबको पता ही है। एंड जो कि जब ये किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो सैम्पल साइज है काफ़ी छोटा है। ऑब्वियसली फर्स्ट रीज़न यही है कि लेज़र जो है काफ़ी हम स्पेसिफिक पॉइंट पर फायर कर रहे हैं, एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द रोवर इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल। हम बड़े बड़े LIBS को हम लगा नहीं सकते, एंड कोई सेंस भी नहीं बनता इस चीज़ का। एंड जब ये पार्टिकल्स आयनाइज हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसे इससे क्या होता है, एक प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। तो प्लाज्मा, जिन जिन को नहीं पता, तो एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, अनलाइक लिक्विड सॉलिड एंड गैस। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, इट्स जस्ट एन आयोनाइज्ड गैस जिसमें आपको चार्ज पार्टिकल्स और ऐसी चीज़ें रहते हैं, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर दिखाता है। एंड इसका बिहेवियर कहीं भी नहीं मिलता है किसी लिक्विड सॉलिड और गैस से, तो इसीलिए इसको एक एज अ सेपरेट स्टेट हम लगाते हैं। एंड जब ये प्लाज्मा फॉर्म होता है, तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होता है वो कई थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज होता है। इट्स नॉट सम 100 200 डिग्रीज, इट्स थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। एंड जब आप ये लेज़र को बंद कर देते हो, देन प्लाज्मा ठंडा होने लगता है, एंड जो भी एक्साइटेड आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एज फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये ऑब्वियसली व्हेन इट इज़ लाइट, आपके कई वेवलेंथ्स हो जाते हैं। सो ये वेवलेंथ्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स वो होता है जहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डार्क या कलरफुल लाइन्स बने। तो आपको स्पेक्ट्रम भी नहीं पता, तो स्पेक्ट्रम एक छोटा सा बैंड समझ लो लाइट का, जो इंटेंसिटी बताई जाती है बेस्ड ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहता है लाइट का, तो आपकी इंटेंसिटी भी चेंज होता है। तो इसी एक
चीज को रिप्रेजेंट करता है एक स्पेक्ट्रम। तो तभी भी जब आपके किसी एलिमेंट में एटम में ऊपर नीचे होता है तो स्पेक्ट्रम में भी डिफरेंस आता है, एंड जब ये डिफरेंस आते हैं तो लाइंस बनते हैं वो स्पेक्ट्रम के ऊपर इंडिकेटिंग अ चेंज, और यही स्पेक्ट्रम लाइन होता है। एंड स्पेक्ट्रम लाइन इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन फिंगरप्रिंट, और ये यूनिक होता है हर एक एलिमेंट के लिए। एंड जो ये स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जो लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है स्पेक्ट्रोमीटर, वो बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टडी करता है इन सब चीज़ों को बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ। तो पहले क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर में पूरा फीड किया जाता है सारे एलिमेंट्स के वेवलेंथ्स को, एंड देन ये स्पेक्ट्रोमीटर कंपेयर करता है जो वेवलेंथ इसको अपने सैंपल से मिला, जैसे हमको लूनार सरफेस से मिला है, एंड कंपेयर करता है अपने जो फीड हमने किया था इसको। तो जब दोनों को कंपेयर करता है देन ऑब्वियसली इट विल फाइंड आउट दी एलिमेंट। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस में बोला था काफ़ी यूनिक होता है, एंड इंटेंसिटी को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट की डेंसिटी क्या है। तो अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन का इंटेंसिटी ज़्यादा है देन द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इन द पर्टिकुलर रीजन भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इसरो ने किया है, एंड ये एक्सपेरिमेंट्स हमको काफ़ी प्राउड बनाती है एज एन इंडियन, एंड दिस इज़ वॉट ड्राइव्स ऑल द साइंस नर्ड्स। एंड आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।